हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। वी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आमिर जो तुम्हार, ये जो गाना पहले भी आया था भूलभुलैया वन में, आइकॉनिक था और सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था कि ये जो फेस ऑफ होने वाला है माधुरी दीक्षित का और विद्या बालन का, पतली वाली विद्या बालन का, बहुत ही अच्छी लग रही हैं वो। वैसे तो मैं बताऊँ, एक्टिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी उनकी। ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ थोड़ा सा, कि चाहे वो थोड़ी सी हल्की सी हेल्दी भी थोड़ा सा हो, बीच में नज़र ही नहीं जाती है इन सब मैटर्स पर, क्योंकि इतना ज़्यादा आप एक्टिंग में ग्रोस हो जाते हो ना कि मज़ा ही आ जाता है। तो ये जो अभी गाना आया है, ये कम्प्लीटली फेस ऑफ है और एंड भी इस तरीके से होता है कि इट्स नॉट जस्ट अ फेस ऑफ एंड द एक्चुअल फेस ऑफ विल हैपन व्हेन द मूवी विल गेट रिलीज। तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि दोनों महिलाएं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि बहुत ही ग्लैमरस दोनों एक्ट्रेसेस भी हैं और बहुत ही इंटेंसिटी भी है इनके सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आंखें बात करती हैं इनकी, इतनी ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। तो वो गाने के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गाने का जो मुखड़ा है ना, वो वैसे लोगों की ज़बान के ऊपर है। अंतरा कोई ऐसा नहीं है जो आप गुनगुनाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लिरिक्स कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूवी के साथ इसका लिंकेज और मुखड़ा किस तरीके से आपके साथ अटैच होता है, तो वो एकदम बढ़िया काम है इसके अंदर। दोनों एक्ट्रेसेस के अंदर पहली इंट्रोडक्शन जो होती है विद्या बालन की होती है, वो उनका जो डांस के मूव्स हैं बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं उस पर हम बाद में आएंगे। ऐसी माधुरी दीक्षित इज लुकिंग वेरी वेरी एलिगेंट। एट द सेम टाइम थोड़ा सा चेहरे पे जो जिसे कहते हैं ना नूर, नॉट ग्लैम, नूर की थोड़ी सी उनकी कमी लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा, बहुत ही फ्रेश फेस नहीं लग रहा है। अब दोनों के जो डांस कर रही है किसी के अगेंस्ट कर रही है, वो जो कैरेक्टर है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, वो जो राजा है वो कौन है, वो कुछ ना कुछ एक अच्छा एलिमेंट इस भूत वाली मूवी के अंदर, कॉमेडी मूवी के अंदर हो सकता है। अब जब किसी भी गाने को आप बोलते हो कि ये फेस ऑफ है, तो आपने अभी देखा है कि अगर दो बहुत ही ग्रेट डांसर्स जब कभी फेस ऑफ करती हैं तो फिर किस तरीके से करती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उनका डांस होता है, मूव्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक होते हैं। यहाँ वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर लगा। मुझे लगा था कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त से मूव्स होंगे, लेकिन एक एक फ्रेम मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बंसाली साहब का कोई फ्रेम देख रहा हूँ या फिर करण जौहर का बहुत बड़ा सेट देख रहा हूँ। तो फ्रॉम अ एस्थेटिक पर्सपेक्टिव इट इज़ बैंग ऑन। सुनने में ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है। गाने के जो कोरियोग्राफी है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बिकॉज इसको प्रमोट इस तरीके से किया गया है कि ये एक फेस ऑफ है। फेस ऑफ वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं लगी, और इतना ज़्यादा एक दूसरे को चढ़ाने वाली जो बात होती है ना कि हु इज़ बेटर, वो वाली भी इतनी ज़्यादा बात नहीं लगी। बट ये बात ज़रूर है कि आप इसके ग्लिम्पसेस में ये देख सकते हैं कि पास्ट टाइम के अंदर ये दोनों का कोई राइवलरी तो था डांस को कंपटीशन को लेके, और जब ये दो भूत बन जाते हैं तो कोई एक जो आत्मा है वो गाना गाने के ऊपर डांस करते टाइम दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका क्या लिंकेज होगा वो मूवी के अंदर होगा। आई थिंक दिस सॉन्ग जो ग्लिम्सेस सा दिया है, पूरा इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि इसके अंदर स्टोरी टेलिंग भी होगी, तो अच्छा कि पूरा नहीं दिखाया। दिस सॉन्ग वर्क्स फॉर मी। मेरे ख्याल से जितने भी एसेट आए हैं अभी तक भूलभुलैया के, फ्रॉम इंट्रीगनेस परस्पेक्टिव कि क्या हो सकता है, वो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग रहा है अभी तक। मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे तो जो लोग हैं वो कार्तिक आर्यन के इतने ज़्यादा फैन हो चुके हैं कि उनको कुछ भी फीडबैक दो तो मतलब काटने को दौड़ते हैं सीधा, तो मैं उन लोगों से कटर लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। बट मूवी के इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें कि क्या प्लस एंड माइनसेस हैं, ये वाला जो गाना है ये एक इंट्रीग क्रिएट करता है। और पास्ट में जाने वाली जो बात होती है, हमने देखा कि हाउसफुल में भी पास्ट प्रेजेंट चला था, राजा महाराजाओं वाला, इट वर्क्स समहाउ। एक वो लगता है मन में कि यार पता चलेगा क्या हुआ था एक्चुअली में और प्रेजेंट से कैसे लिंक्ड है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।